बहन जी नमस्कार। नमस्ते जी। बहन जी क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है सीमा रोहिल। सीमा जी कहाँ से आए आप? सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से आई हूँ। अच्छा एक बात जानना चाहेंगे आपसे कि संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैं 2014 में 23 फरवरी को नाम लिया था। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जैसे आम लोग करते हैं वही हम भक्ति करते थे शुरू से, जो भी देवी देवताओं की, शिव जी की, हनुमान जी की जो भी भक्ति करते हैं वही सब हम करते थे। जो हमारे मम्मी पापा जो भी करते थे वही हम सब भक्ति करते थे। आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी इसलिए मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। क्या बीमारी थी आपको, क्या हुआ आपके साथ? सर जो मैं मेरी स्टोरी को याद करती हूँ ना तो मेरी आत्मा बिल्कुल कांप जाती है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि मैं इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, इतनी ज़्यादा मैंने लाखों रुपये करोड़ों रुपये मैंने बर्बाद किए मेरी इसी प्रॉब्लम में, फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला। क्या बीमारी थी आपको और क्या क्या आपने किया? मेरी बीमारी का पता ही नहीं चला। मैं जैसे झाड़ फूँच के गई तो उनने बोला कि इसमें भूत है। जैसे डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने बोला इसमें पाइल्स है। और मेरे लूज मोशन इतने हो रहे थे बार बार, दिन में 10 बार, रात को 10 बार, लूज मोशन के साथ मेरे ब्लीडिंग होती थी। इतना ब्लड निकलता था, इतना ब्लड, मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। किसी ने बोला इसके पाइल्स है, किसी ने बोला इसमें 3-3 भूत है, किसी ने बोला इसके नज़र लगी। हमने सब कुछ करवाया, झाड़ पूछ भी करवाई और पाइल्स का भी इलाज करवाया। पाइल्स के वो इंजेक्शन लगाते थे मेरे लेटरिन के रास्ते में, मैंने वो भी लगवाया। उससे मेरे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई और कोई आराम नहीं मिला। कहीं माता के, काली माता के गए थे, उसने बोला कि इसका अगर आपको कालजा बचाना है तेरा तो तेरे को बकरे का कालजा खाना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है मैं वो भी खा लूँगी, अगर मेरा कालजा बच जाएगा तो मैं वो भी खा सकती हूँ। तो मैंने 4 दिन मेरे को बकरे का कालजा खिलाया और 5 दिन तक बकरा बना हुआ मेरे को वो खिलाया। फिर भी मेरे कोई आराम नहीं मिला था, फिर भी मैं और ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरे, और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई थी। हॉस्पिटल में लेके गए तो उसने बोला कि इसके टीबी है, तो मैंने टीबी की दवाई खाई। दो महीने मैंने टीबी की दवाई खाई, उससे मैं इतनी वीक हो गई थी। फिर मेरी इतनी वो बिल्कुल वैन वैन चलना भी बिल्कुल बंद हो गया था। फिर वो सीकर में मेरे को एडमिट किया एकदम से कि भाई इसकी क्या हो गया, ये तो ख़त्म हो गई, वो हो गई। फिर सीकर वाले ने बोला कि इसको इतनी, अभी इसकी 28 kg वेट है इसको, और इतनी भारी पावर की आप उसको दवाई दे रखे हो तो ये तो होएगी ख़त्म। तो मेरे को बोल इसको, मेरे पापा को और हस्बैंड को बोला कि इसको जल्दी आप जयपुर लेके जाओ, नहीं तो ये नहीं जिएगी। अगर दुर्लभ जी हॉस्पिटल में आप एडमिट नहीं कराओगे तो ये नहीं जिएगी, 1 घंटे में आप जयपुर पहुँचा दोगे तो ये जी जाएगी। फिर मेरे को 1 घंटे में जयपुर पहुँचा दिया था। आईसीयू में लेके गए थे मेरे को, 2-3 दिन बाद में होश आया और ब्लड भी चढ़ा था और मैं वो जांच भी की थी। उस टाइम में पता चला कि इसके आँत में स्वेलिंग है और वो छाले हैं। तो मेरे को 18 दिन एडमिट किया था। 18 दिन में हमने 1 लाख रुपये वहाँ दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा होते हैं, तो 1 लाख रुपये दुर्लभ जी हॉस्पिटल में बैंक में जमा कराए हमने। 18 दिन बाद में फिर हम घर आए थे छुट्टी लेके, तो रस्ते में एक झाड़ फूस वाला फिर मिल गया कि इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने तो बताया मेरे हस्बैंड ने कि भाई इसके ये प्रॉब्लम है, तो वो बोला कि मैं इसको बिल्कुल ठीक कर दूंगा, ये 3 दिन में एकदम से अपना सर उठा के अपने आप चलने लग जाएगी। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरा हस्बैंड है आर्मी में। हाँ आर्मी में, वो आर्मी ड्यूटी करते हैं सर। आपको रस्ते में झाड़ फूक वाला मिलता है, जब आप हॉस्पिटल में इलाज करा ही रहे थे तो फिर आपने झाड़ फूक वालों से इलाज क्यों करवाया? वो बोला कि मैं गारंटी लेता हूँ इसको 3 दिन में, ये जैसे मैं उठती नहीं थी, मेरे से सर भी नहीं उठाया जाता था, तो वो बोला कि उसी टाइम उसने एक पानी में कुछ मंत्र के दिया था, मेरे को पानी पिलाया था, उसी टाइम मैंने ऐसे नाड़ी हिलाना ये सब कुछ करने लगी थी। तो मेरे हस्बैंड को भी विश्वास हो गया कि हाँ ये ठीक कर देगा। क्या तांत्रिक ने आपको ठीक कर दिया? नहीं, वो 1 महीना मेरे को, 1 महीना एकदम ठीक सी रही थी मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 1 महीने के बाद में वही प्रॉब्लम, फिर लूज मोशन, लेटरिन जाना, ब्लडिंग। तो हमने 1 लाख रुपये दे के वो दवाई तो फेंक दी थी और फिर हम उस हॉस्पिटल में गए नहीं। और वो बोला है कि इसका जो भी भूत थे हमने वो निकाल दिए और जो भी इसकी तो फिर आपने अपना इलाज किसी बड़े हॉस्पिटल में क्यों नहीं करवाया? वो सर पहले
फ्रेंड बोल रहे थे कि वो थे ना आर्मी में थे तो थोड़े बहुत पीछे भी थे, तो बोले कि यहीं सिविल में अच्छा इलाज होगा, यहीं करवा लेते हैं। तो फिर लास्ट में किसी ने बताया, उसके साथ के जो आर्मी में ड्यूटी करते हैं उनके साथ वाले थे, उन्होंने बोला कि यार तो आप यहाँ पे क्यों वो लूट रहे हो, आप दिल्ली जाओ, आरआर हॉस्पिटल दिल्ली में जाओ, वहाँ आपका अच्छे से इलाज होगा और वहाँ इसे दवाई लो आप। आर हॉस्पिटल में हम पहुँचे थे 2010 में 1 जनवरी को, तो वहाँ आते ही वो जाँच भी नहीं की थी मेरे को ऐसे कंडीशन देख के, और डॉक्टर ने बोला कि बेटा आप बहुत लेट हो गए हो, आपको ज़िंदगी भर ये दवाई खानी पड़ेगी और आपका ऐसे चलता रहेगा। फिर भी उन्होंने कोशिश की, मेरी इंडोस्कोपी कुलनोस्कोपी वगैरह की, अभी इंडोस्कोपी की वो कुलनोस्कोपी की मैं रिपोर्ट भी लेके आई हूँ, और उससे उन्होंने बोला कि वो जब जांच की थी अंदर पेट में पाइप डाल के जांच की थी, तो उसमें पता चल गया कि उसकी मेरे को बताया कि पूरी आपकी आँख ख़राब हो चुकी है, आपका इस कोई इलाज नहीं है, आपको ज़िंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा, ऐसे चलता रहेगा, कभी लेटरिंग ज़्यादा कभी कम, ऐसे ब्लीडिंग है। तो फिर मेरे को दवाई देना शुरू कर दिया था, फिर भी मेरे को थोड़ा बहुत आराम था। उसके बाद में फिर 2011 में फिर कंडीशन वही ज़्यादा होने लगी थी, फीवर आने लगे थे, 10-10 दिन तक फीवर, जैसे एक महीने में मैं 25 दिन हॉस्पिटल में रहती थी और 5 दिन घर पे रहती थी। और फिर मेरे को डॉक्टर ने बोला कि इसको इंजेक्शन लगाएंगे, 1-1 लाख के इंजेक्शन लगाते थे मेरे, और 2011 और 2012 में मेरे को 19 इंजेक्शन लगाए थे, 1-1 लाख के एक इंजेक्शन लगता था मेरा। और ब्लड जैसे 6 पॉइंट ब्लड हो गया, फिर ब्लड चढ़ाना, ब्लड भी मेरा ओ नेगेटिव है, 21 यूनिट मेरा ब्लड चढ़ गया था 2014 से पहले, और फिर उनसे भी कोई आराम नहीं था। तो फिर डॉक्टर ने बोला कि इसके आराम नहीं मिल रहा, ऑल इंडिया की टीम बुलाई, 35 डॉक्टर आए थे देखने के लिए, तो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक चेक किया मेरे को, तो उन्हें बोला कि जो आप इसको इलाज चल रहा है, जिस जो आप इसको दवाई दे रहे हैं, इंप्लिक्सी में इंजेक्शन दे रहे हैं 1-1 लाख के, अगर उनसे ही कोई आराम नहीं है तो इसके नहीं आराम हो सकता, इसकी ऑपरेशन भी नहीं कर सकते हम, बोले कि इसकी आँत भी हम बाहर नहीं निकाल सकते क्योंकि इसकी एज नहीं है अभी, और आँत दूसरी भी नहीं डल सकती, बगैर आँत के भी ये काम नहीं चला सकती। तो बोला इसको जो इंजेक्शन चल रहे हैं, जो दवाई दे रहे हैं वो बेस्ट है और इससे कोई इलाज नहीं है। तो उसके बाद में मेरे और ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई थी, फ्यूर बिल्कुल इतना इन्फेक्शन हो गया था पेट में बहुत ज़्यादा, क्यों आँत तो ख़राब थी, बड़ी आँत पूरी आँत ख़राब हो चुकी थी। फिर बार बार एडमिट रह रखे, मैं इतना सीख गई थी कि मैं खुद दूसरों के इंजेक्शन लगा दिया करती वहाँ पे, लेट लेट महीने में 20-25 दिन एडमिट रहना। और फिर 2013 में टेजी साइकिल इंजेक्शन लगाते थे मेरे 10-10 हज़ार के, वो भी उल्टा असर करने, 1 लाख का लगाते वो 20 दिन आराम रहता, उसके बाद में फिर वही दिक्कत, फिर इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा। फिर 2013 में वो बताया था मेरे हस्बैंड को कि भाई ये हमने जो भी इलाज करना है वो कर दिया, जो भी हमने जो भी इसका इलाज कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, एंटीबायोटिक दे रहे हैं, वो सब उसके उल्टा असर कर रही है, तो इसलिए आपको जहाँ भी इसको ले जाना है, जहाँ भी आपकी संतुष्टि है वहाँ ले जा सकते हैं, हमने जो भी इलाज करना है इसका कर दिया, ये बचेगी नहीं, इसकी कभी भी आँत फट सकती है, कभी भी ये मर सकती है, आप जहाँ भी इसको ले जाना चाहो ले जा सकते हो, हमने जो भी इसका इलाज करना है कर लिया। बहन जी, आपको ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर आपको देख चुके थे और उन्होंने भी आपके पति को जवाब दे दिया था कि अब इनका जो इलाज था हमने इस लेवल तक कर दिया है कि अब आगे इनके लिए कोई भी चारा नहीं बचता है और आगे इनके लिए इलाज अब कोई भी नहीं है। फिर इसके बाद आपने क्या किया और फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे पहुँचे? जी, हमने मैं एडमिट थी तो मेरे हस्बैंड को बता दिया था डॉक्टर ने कि भाई ये ख़त्म होगी, तो अगर जिस इंसान को ऐसे बता दे कि भाई तेरी वाइफ ख़त्म होगी तो उसको तो आपको पता ही है कैसा वो महसूस होगा, तो वो ऐसे दवाई लेने उसी हॉस्पिटल में दवाई मिलती है तो साइड में दवाई लेने गए थे, तो उन्हें वहाँ कोई उस आर्मी का ही था भगत, तो उसने बोला कि आप दुखी से दिख रहे हो मेरे को, तो बोले मेरे हस्बैंड बोले कि हाँ यार मैं दुखी हूँ, मेरी ऐसे ऐसे वाइफ की ऐसी प्रॉब्लम है और डॉक्टर ने ऐसे बता दिया, जवाब दे दिया, मैं क्या करूँ अभी, जितनी मेरे को सेवा करनी है मैं तो करूँगा,
अभी मैं तो बचा नहीं सकता, न डॉक्टर बचा सकते, हमारे कोई बस की बात नहीं है बोलो इसको बचाना। तो वो बोला कि यार एक बार मेरे कहने से आप जहाँ बोले हो वहाँ जाना, बरवाड़ा आश्रम में जाना, और आप साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 तक प्रोग्राम आता है, वो देखना आप। किसका प्रोग्राम आता था? संत रामपाल जी महाराज का बोले प्रोग्राम आता है, और वो 7:30 से 8:30 तक प्रोग्राम आता है, तो वो देखना आप, और एक बार मेरे कहने से वहाँ जाना। तो ये बोले कि यार मैं इनके चक्रों में बहुत गिर लिया, फिर लिया हमने सब जगह, वो गए देवी देवताओं के, हम सब चक्कर काट लिए, भगवान तो बोले है ही नहीं। तो बोले ठीक है तेरे कहने से मैं चला जाऊँगा, अगर ठीक है बच जाएगी तो। फिर हमने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत ज्ञान समझ में आया, और बोला कि मरे तो ऐसे ही, चलो हम चलते हैं बरवाड़ा आश्रम में। फिर मेरे को गाड़ी में लेके बरवाड़ा आश्रम में लेके गए, तो आश्रम में जाते ही बोला कि भाई आपको ये नाम दिया जाएगा, ये नियम है, जो भी नियम है। तो हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली थी। फिर तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी वो बीमारी ठीक हुई जो ऑल इंडिया के टॉप मोस्ट 35 डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को लाभ, मैं बताती हूँ इतने लाभ मिले, मैं बता नहीं सकती इतने लाभ मिले मेरे को, बहुत ज़्यादा। संत रामपाल जी महाराज जी नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरे को तुरंत डॉक्टर ने बोला था कि इसकी ये नहीं बचेगी, इसकी आंत फट, पेट फट के और ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे वही हुआ था, मेरा पेट फूट गया था। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा यहाँ से डॉक्टर बोल रहे थे कि इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, नहीं इसका अभी एज नहीं है। मेरा 28 kg वेट था, और 28 kg वेट से मेरा 54 kg वेट हो गया। आप ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसका कितना आराम मिला है, कितना नहीं मिला है। उसके बाद में मेरा ऑपरेशन किया, और 8 घंटा मेरा ऑपरेशन चला। तो डॉक्टर ने, वही डॉक्टर बोल रहे थे कि इसकी पूरी आँत ख़राब हो चुकी है, कभी भी ख़त्म हो सकती है। और वही डॉक्टर ऑपरेशन करके लेके आए थे, तो वो डॉक्टर बोल रहे थे कि डॉक्टर खुद आप देख के मेरे को हैरान हो गए कि इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया, इसकी तो पूरी आँत ख़राब हो चुकी थी, ये कैसे हो सकता है, इसकी पूरी आँत अंदर बिल्कुल 16 साल की बच्ची किसी आँत कैसे हो सकती है, ये तो एक चमत्कार ही है। सर सबसे बड़ी हैरानी की तो ये बात है कि मेरी पूरी आँतें ख़राब, और उसके साथ में मेरे प्रेगनेंसी, और वो भी बेटी और एकदम स्वस्थ है। ये जो आपके हाथ में रिपोर्ट है, ये कहाँ की रिपोर्ट है? पहले आप अपनी रिपोर्ट दिखाइए। जी, R&R हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, और ये 2010 और 12 की वो है जो मेरी कुलनोस्कोपी की थी, कि डॉक्टर ने बताया था कि इसकी पूरी आँतें ख़राब हो चुकी है, वो रिपोर्ट मैं लेके आई हूँ। हमारे कैमरे में दिखाएं। देखो मेरी आँतें कैसे अंदर से ख़राब हो चुकी है, पूरी आँत ख़राब हो चुकी थी, कैसे छाले छाले ब्लड ब्लड, वो आप देख सकते हो। ये 2010 की रिपोर्ट है, ये 2012 की रिपोर्ट है। ये आर्मी हॉस्पिटल है? हाँ जी, ये आर्मी हॉस्पिटल है दोड़ाखवा के पास में, R&R हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में। किस डॉक्टर ने आपका इलाज किया? ये कर्नल डॉक्टर राहुल जैन ने। और अब आप अपनी बेटी से मिलवाइए, रिपोर्ट रख दीजिए, अपनी बेटी को उठा करके हमारे दर्शकों से मिलवाइए कि आपकी जो बेटी है अभी कितने साल की हो चुकी है। जी ना, जी ये मेरी बेटी है, और अभी ये 3.5 साल की हो गई है, और बिल्कुल स्वस्थ है, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये स्वस्थ है बिल्कुल। जी ये भी हैरान करने वाली बात है कि आपकी आंतें बाहर हैं, फटी हुई है, निकली हुई है, फिर भी आपने अपनी बेटी को ऐसे गोद में उठा लिया है। इसका वेट कितना है? इसका वेट है, अभी कई दिन पहले मैंने चेक किया था तो 16 kg वेट है, पर अभी ये संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरे को बिल्कुल ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं इसको गोद में ले रखी हूँ, और मेरे को पता ही नहीं चल रहा कि मेरी आँतें भी बाहर है। आप प्लीज़ इनको नीचे उतार दीजिए, हमारे को बल्कि डर लग रहा है कि आपकी आँतें बाहर हैं फिर भी आप इतना वेट कैसे उठा पा रहे हैं, और ये अपने आप में ही हैरान करने वाली बात है। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी जो बेटी थी गर्भ में, वो बिल्कुल सुरक्षित है अब, और आपके साथ भी है 3 साल से, आप भी बिल्कुल स्वस्थ है। आप भगत समाज को क्या कहना चाहेंगे और क्या बताना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? भगत समाज को मैं यही बताना चाहूँगी कि संदेश देने लायक तो नहीं हूँ, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन रहे हैं, जो भी बुक दे रहे हैं, वो सब अपना मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भवन लगता दार, क्यों मनुष्य जन्म 84 लाख योनियों में एक बार मिलता है।
तो वो भक्ति करने के लिए मिलता है, ये नहीं कि वो अपना बस बच्चा घर अपना पालन पोषण किया और गंवा दिया, बस हमारा तो हो गया काम। ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, सब गाय भैंस ये तो सब वो ही भी करते हैं कि अपने बच्चों का लालन पोषण करना है। देखिए, आपकी बेटी और आप दोनों ही मौत के मुंह से निकले हैं, और आपका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये सब हुआ है, लेकिन वो संत आज जेल में है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? वो कहीं भी हो, संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ रहते हैं, हर पल पल में हमारे साथ रहते हैं। वो जेल में तो हम हैं, संत रामपाल जी महाराज तो हमारे साथ रहते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो सब झूठे आरोप लगाए गए हैं। जैसे हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारी CBI जाँच करो, तो वो CBI जाँच क्यों नहीं करे? सरकार से यही है कि हमारी CBI जाँच करो, अगर हम झूठे हैं तो हमारे को फांसी लगा दो। देखिए, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए बहुत कम समय हुआ था और वो जेल में चले गए, उसके बाद भी आपका संत रामपाल जी महाराज जी के प्रति ऐसा भाव है, उनके प्रति आपकी बहुत आस्था है, इसके पीछे क्या कारण है? सर, मैं ये कहना चाहूँगी, कोटि को क्या चाहिए काया, निर्धन को क्या चाहिए माया, और जो आर्थिक रूप से जो भी परेशानी है, जो भी शारीरिक रूप से परेशानी है, वो सब संत रामपाल जी महाराज के पास पूरा इलाज है इनके बारे में। जो आपके पति है वो पहले मानते नहीं थे, वो आस्तिक नहीं थे, एक तरह से वो नास्तिक हो चुके थे, वो मानते नहीं थे कि भगवान है, वो कहते थे कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, आज वो क्या मानते हैं जब आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुके हैं? वो अभी मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनको कि ये भगवान है, भगवान है, हर जगह भगवान है, कि मेरे साथ भी भगवान रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज एनी टाइम मेरे साथ रहते हैं, और वो मेरे से भी ज़्यादा विश्वास है उनका। और क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? सर, मैं तो सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं, उनसे नाम दीक्षा ले और अपना कल्याण कराए। जी धन्यवाद। जी सत साहिब।